हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आपको बता दूं कि आरआरबी क्लेरिकल का 19 सितंबर को जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो अभी इसमें थर्ड शिफ्ट ओवर हो चुकी है। पहली और दूसरी शिफ्ट का रिव्यू आपने देख लिया होगा। थर्ड शिफ्ट भी सिमिलर वैसी ही है, अगर आप लेवल पूछेंगे तो वैसा ही है दोस्तों। इजी लेवल मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा, नियर अबाउट आप ये मान के चलें कि लगभग 74, 73, 77, 76 ऐसे अटैम्प्ट आप वहाँ पर बना सकते हैं, अगर आपकी रिदम वहाँ पर मेंटेन है। क्वांट में वही पूछा गया था, दो DI आपके बारग्राफ और एक आपका टेबल DI था। 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के पूछे आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन आपका आ रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज उन्होंने पूछा, तो ऑलमोस्ट जो है पेपर वैसा ही टच कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी लेवल हो रहा हो या फिर ये वाली शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ हो, पेपर ऑलमोस्ट इजी है। और मैं आपकी जो आने वाली शिफ्ट है इनके लिए यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब कभी भी पेपर को जब बनाने बैठोगे तो आप स्टार्ट अपने उस सब्जेक्ट से करना जहाँ पर आपकी कमांड बहुत अच्छी है। अगर आपका क्वांट बहुत अच्छा है तो आप क्वांट बनाना। देखो ऐसा है कि आप पूरे पेपर को बना भी सकते हैं, 1-2 मिनट आपको एक्स्ट्रा बच भी जाएंगे, इतना टाइम आपके पास है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पेपर का लेवल क्या है, इजी है। ओके, रीजनिंग में वही पजल्स आ रही हैं, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने देखी, और पजल्स ऐसी हैं कि लगभग आप 2-2.5 मिनट में एक एक पजल को बना सकते हैं। तो इतनी टेंशन मत लेना, अगर आपको लग रहा है कि कोई पजल 5-4 मिनट इसमें फंस गए हो, उस क्वेश्चन को दोस्तों आप अवॉइड करना। और हाँ, जो लोग थर्ड शिफ्ट में पेपर देकर आए, प्लीज अपने अटेम्प्ट एक बार इस वीडियो के नीचे जरूर शेयर कर दें, ताकि और भी जो भाई बंद होंगे वो भी थोड़ा सा मैच हो जाएगा कि कौन कितना क्या बनाकर आया। ठीक है, तो उससे एक आइडिया भी लग जाएगा। और हमने कम्युनिटी टैब में अभी एक पोल भी कंडक्ट कराया, और मैं चाहूंगा कि आप सभी जो लोग 19th ऑफ सितंबर को अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देकर आ रहे हैं वो उस पोल में हिस्सा लें, तो थोड़ा सा एक सिनेरियो क्रिएट होगा वहां पर कि भाई पेपर का जो माहौल है वो किस ओर जा रहा है। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो 70s में हैं, 65 में हैं, 68 में है, वो भी मैंने पोल में थोड़ी कैटेगरी यहां पर बनाई है। सो थैंक यू सो मच गाइस, यहां पर शॉर्ट रिव्यू था तो जिसमें मैंने आप सभी को थोड़ा सा बताया है। और जो आगे देने वाले एग्जाम है वो बिल्कुल बिंदास पेपर बनाकर आए, पेपर में काफी सारी चीजें हैं जिनको आप अच्छी तरीके से वहां पर बना सकते हैं। तो मिलेंगे एक बार अगली वीडियो में एक बार फिर से।